अनलॉक पार्ट वन के तहत राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा रियायतों का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार से पिछले करीब 3 माह से बंद पड़े रेस्टोरेंट, होटल व शॉपिंग मॉल को गाइडलाइन अनुसार खोलने की छूट दी गई है। सोमवार से होटल रेस्टोरेंट खुलने के बाद होटल मालिक खुश नजर आए। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित हुए लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने स्तर पर फैसला कर विभिन्न प्रतिष्ठानों को खोले जाने की अनुमति दी थी, जिसके तहत राज्य सरकारों ने अनलॉक की घोषणा कर दी और छूट का दायरा भी बढ़ा दिया। इसी के तहत रविवार शाम राज्य सरकार ने करीब 3 माह से बंद पड़े होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय को खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि इन व्यवसायों को सावधानी बरतने के साथ ग्राहकों को आवश्यक दूरी की व्यवस्था करने के साथ मास्क अनिवार्य की हिदायत दी गई है। सरकार द्वारा मिली छूट के बाद सोमवार को बाड़मेर शहर के विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट खुले नजर आए और साफ सफाई के दौर के साथ होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय फिर शुरू हुआ और व्यापारी काफ़ी खुश नजर आए। हालांकि 3 माह की लंबी अवधि के दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायियों का कहना है कि सरकार की अनुमति के बाद होटल एवं रेस्टोरेंट व्यापारी में खुशी का माहौल है। उनके अनुसार कोरोना के चलते सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना करेंगे और सावधानी के साथ अपना व्यवसाय करेंगे। सैनिटाइजर की मशीन लगा रखी है और मास्क वालों को एंट्री देते हैं, बिना मास्क वालों को एंट्री नहीं देते हम। पिछले 2 महीने से बंद था रेस्टोरेंट, आज खुला है, क्या तैयारी की? बस आज तैयारी साफ सफाई करके पूरे स्टाफ आया है, कुछ स्टाफ को बुलाया है, अभी आगे देखते हैं जैसी ग्राहकी होगी उस हिसाब से स्टाफ होगी। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, अभी चालू हुई है, 1-2 ग्राहक आए हैं। आज सरकार की गाइडलाइंस के पूरी पालना की जाएगी, जिसमें कि अपने सैनिटाइजर का पूरा फुल उपयोग किया जाएगा, जिसमें स्टाफ को और कस्टमर को मास्क के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। और आज ही होटल खोलने 2 महीने के बाद आज होटल खोलने का हमें जो सुनहरा मौका मिला है, इसमें हम सरकार की पूरी व्यवस्था और पूर्ण रूप से पालन करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 2 महीनों बाद होम डिलीवरी एवं पैकिंग फूड की इजाज़त सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन इस राहत के बाद भी होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायी आर्थिक मंदी की मार से जूझ रहे थे। आखिरकार लॉकडाउन के 5वें चरण में होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाय को सरकार ने फिर शुरू करने की अनुमति दी, जो होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाय के लिए काफ़ी राहत की खबर है।